हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। यूट्यूब सीमा ब्लॉग आप लोग को स्वागत है। आप दोस्त देख सकते हैं, थोड़ा बाल कटवा लिए हैं और थोड़ा चश्मा लगा लिए थे और इधर सीमा रेडी हो रही है, देख सकते हैं। तो कहाँ जाने रेडी हो रही है ये तो आप लोग थंबनेल देख कर पास चले गया होगा। बाकी आप लोग सोचे हो कि हम बाल ऐसे क्यों रखे हैं। तो दोस्तों, जब वीडियो नहीं बनाते थे और तो शादी दी नहीं किए थे, तो मतलब बहुत दिन पहले हम ऐसे ही बाल रखते थे। लेकिन क्या हुआ बीच में कि बाल ही नहीं बराबर सब काट रहा था, इसके लिए बहुत बाल बढ़ा दो था। तो बाल ऐसे रखते हैं, आप लोग थोड़ा बताइएगा बाल कैसा है। अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर से पहले की तरह रखेंगे ना। सिवा अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा हो रही है। तो दोस्तों, अभी जाएंगे मार्केट और सीमा कर रही है तीज ना। तो तीज का सामान लाना है और चलते हैं मार्केट। वहाँ चलेंगे तो हो सकता है तो एक दो कपड़ा हम भी ले लेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत कमेंट करते हैं कि बिट्टू भैया आप कपड़ा ले लीजिए, आप कपड़ा ले लीजिए। चलिए हम चलेंगे और कपड़ा पर ले लेंगे। और मेरा तबीयत थोड़ा ठीक है और दवाई ववाई लाए हैं और खाए भी है और छुट्टी भी था आज, तो जाते हैं बाल कटवा दी क्योंकि टाइम नहीं मिल पाएगा, कंपनी जाएगी इसलिए ना सिवा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बोलिए ब्लॉग पे और हम सिवा रेडी हो रही है और अभी चलेंगे मार्केट और पूरा तीज का सामान लेके आएंगे। और क्योंकि मेरा दूसरा तीज है दोस्तों और मैं तीज करने वाली हूँ, तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। मैं जा रही हूँ आज तीज का सामान लाने के लिए, ठीक है। बहुत सारा लेके आएंगे, फिर दूसरे दिन लेके आएंगे, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। तो घर पर मतलब घर पर बोले थे, मतलब जहाँ पर रहते थे ना मौसी के, उन लोग को फोन करेंगे पूछेंगे क्या क्या सामान रखते हैं। फिलहाल जाते हैं और एक दो कपड़ा हम भी ले लेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा कर रहे हैं कपड़ा लाने के लिए दोस्तों। तो चले दोस्तों, आप लोग बढ़िए ब्लॉग पे, अभी चलते हैं। टाइम हो रहा है 7 बज रहा है, अभी लोकल पकड़ी है ट्रेन, ठीक है दोस्तों, और चलेंगे। तो चले सीमा, चलो पैसा सा ले लो। तो दोस्तों, अभी हम लोग निकल चुके हैं, आप देख सकते हैं पूरा रास्ता में कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि मार्केट का रास्ता है ना इसके लिए। और इधर तालाब जो आप लोग को और वीडियो में दिखाते हैं। तो चलिए, तो कुछ रात कैसे नज़र आए मुंबई के देख सकते हैं। और हम लोग अभी रोड पे हैं और जा रहे हैं, तो जल्दी से जाना है और पकड़ना है लोकल ट्रेन और वहाँ से चलना है हम लोग को थाने मार्केट। तो देख सकते हैं अभी हम लोग रास्ते में हैं और इधर देखिए कितना ट्रैफिक है। तो मुंबई का नज़ारा देख लीजिए आप लोग, रात का कितना अच्छा लगा ना सिवा। तो चलिए हम अभी चलते हैं मार्केट, सिवा के लिए तीज का पूरा सामान लाना है और मुझे कपड़ा वपड़ा भी लेना है। तो अभी सीधा जाएंगे, गाड़ी पकड़ेंगे और सीधा मार्केट में आप लोग से मिलते हैं। फिलहाल बढ़िए ब्लॉक पे। और दोस्तों, अभी हम सब स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, तो चलेंगे यहाँ से मार्केट और मार्केट जाके आप लोग सब दिखाएंगे। तो देख सकते हैं फिलहाल अभी स्टेशन पे है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। चले दोस्तों, आप लोग से सीधा जाके मिलेंगे मार्केट में। तो दोस्तों, अभी हम लोग मार्केट आ चुके हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अभी हम क्या क्या लेंगे सब आप लोग को दिखाएंगे। तो दोस्तों, अभी दुकान में आ चुके हैं और चलिए यहाँ से लेंगे कपड़ा। तो सीमा देख सकते हैं वहाँ पे है और चलिए देखते हैं। मुझे जीन्स लेना है और टी शर्ट भी लेना है और शर्ट भी लेना है, तो जो मुझे पसंद आएगा वो ले लेंगे। फिलहाल चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो देख सकते हैं भैया इधर कपड़ा निकाल रहे हैं और जीन्स, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, फाइनली ले लिए हैं एक शर्ट, बहुत देर के बाद, कम से कम आधा घंटा देखे हैं, तो ट्राई व्राई किए हैं, तो शर्ट चलो ले लिए हैं और जैसी वहाँ रख ली है, देख सकते हैं। तो जाके रूम पे दिखाएंगे आप लोगों को कि हम क्या क्या लिए हैं। फिलहाल जीन्स पसंद नहीं आया तो चलते हैं सर दुकान में और जीन्स देखेंगे, फिलहाल शर्ट ले लिए हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग शॉपिंग कर लिए हैं और बहुत सारा कपड़ा लिए हैं, जो देख सकते हैं सीमा हाथ में रखी हुई है। और ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि इतना भीड़ था और मतलब कपड़ा ले रहे थे, तो बार बार ले रहे थे इसके लिए वीडियो नहीं ले पाए। और जितना भी कपड़ा वपड़ा लिए हैं सब आप लोग को रूम पे जाके दिखाएंगे। देखिए इधर क्या नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं। और इधर स्टेशन है, तो चलिए चलो सीमा। तो चलिए अभी जाते हैं और पकड़ेंगे ट्रेन और जाएंगे रूम पर, क्योंकि बहुत रात हो गया है, 11 बजने वाला है। तो चलो, तो दोस्तों देख सकते हैं पूरा अंधेरा लग रहा है और हम लोग अभी अपना रूम पे जा रहे हैं, रास्ते में हैं क्योंकि 10 बज चुका है दोस्तों, बहुत अंधेरा हो गया है और बहुत हालत ख़राब हो गया है। बहुत सारा शॉपिंग किए लिए दोस्तों और आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। चलिए रूम पे आप पहुँचने वाले बस 2 मिनट। चलिए दोस्तों, आप लोग से रूम पे जाके मिलते हैं।
तो दोस्तों फाइनल रूम पे पहुंच चुके हैं और बहुत प्रॉब्लम हुआ, कितना भीड़ था ट्रेन में, गए आए पूरा मतलब अति हो गया समझे, तो हार्सेंट हो गया समझे, तो और दौड़ लेट के गए थे दोस्तों 7 बजे शाम को गए थे दोस्तों मार्केट में, और आए कितने 11 बजने वाला था तब रूम पे पहुंचे। तो दोस्तों आप लोग पहले बताते हैं सीमा के लिए कुछ खरीदाने प्रयास मतलब तीज का सामान और बाद में खरीदाएगा, क्योंकि मेरा एक कपड़ा वपड़ा हम खरीद रहे थे ना इसके लिए, तो आज हम भी सोचे चलो कपड़ा खरीद लेते हैं, बहुत दिन से सोच रहे थे, और सीमा भी बोली, और यूट्यूब का पैसा आया था दोस्तों, पैसा मेरे पास था नहीं, काम किए हैं वहाँ पर भी नहीं मिला है पैसा, कर रहे थे यूट्यूब भैया अपने लिए कपड़ा नहीं लेते हैं ये वो बहुत सारा बात बोल रहे थे। और इससे पहले दोस्तों पहले ये बताते हैं कि कपड़ा खरीदे हैं वो भी छूट गया नहीं मतलब सबने छूटा है, लेकिन एक शर्ट और एक जींस मतलब दुकान वाला का छूट गया, जब हम आ रहे थे ना तो दुकान वाला मिला मुझे, जिस बोगी में हम लोग चल रहे ट्रेन में लोकल में उसमें वो पहले चल रहा था, तो उसे हम बता रहे दोस्तों ये ठीक से नहीं बता रहे, ठीक है, और कपड़ा लिए थे इसे हाथ में रखे हुए थे ठीक है, और ये फिर इनको अच्छा लगा, एक शर्ट और एक पैंट मतलब जींस था तो वो ले लिए थे ठीक है, और हम पैसा भी दे दिए, हम भी दुकान से आगे निकल कर गेट पे पैसा दे दिए, और ये भी वहीं पर चले आए, हमको लगा ये ले लिया, इनको लगा हम ले लिए, ऐसे ही कपड़ा छूट गया दोस्तों। तो दोस्तों कपड़ा छूट गया, और जैसे कि हमको पता हुआ था कपड़ा छूट गया है, तो जो लोकल ट्रेन में हम लोग रूम पर आने वाले थे वो में हम लोग जिस बोगी में चले उसी बोगी में पहले से उचारा हुआ था दुकान वाला करके वो भी यूपी का था, तो जैसे हम गए ना वैसे सीमा कपड़ा देख के वो पहचान गया, बोलता है मैडम आपका कपड़ा छूटा है क्या, तो वहाँ पे चेक वो किया, अरे हाँ यार छूट गया है, तो उसका नंबर लिए, कल जाएंगे वो कपड़ा लेके आएंगे, एक शर्ट और एक जींस है, बोला है आ जाओ 10 बजे के बाद दे देंगे, तो कल ड्यूटी से आएंगे सीधा दुकान में जाएंगे वहाँ से कपड़ा लेके आ जाएंगे। अच्छा था जे सब कुछ ठीक हो गया, नहीं तो दोस्तों बहुत देर से हो जाता। चलिए दोस्तों और कपड़ा लाए हैं सो आप लोग को दिखाते हैं, चलिए दिखाते हैं, और दोस्तों बहुत रात हो चुका है तो देख सकते हैं दोस्त ये है टी शर्ट और अच्छा क्वालिटी का है, मैचिंग मैं अपने मैचिंग के लिए हूँ देख सकते हैं, और ऐसा वाला हमको बहुत अच्छा लगता है, और ये मतलब अच्छा कपड़ा है, क्वालिटी का है, गोल गला रहते ना बॉर्डर, तो एक टी शर्ट है और एक दिखाते हैं पैंट, मेरा पसंद का। और दोस्तों ये देखिए पैंट है, तो ये मुझे मतलब बहुत इसका जो क्वालिटी है ना बहुत हेवी क्वालिटी है, मेरा ही पसंद का ये जींस और ये तो देख सकते हैं, ये जो है ना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, तो एक ये है पैंट लिए है और एक टी शर्ट लिए है, और दोस्तों ये शर्ट दिखाते हैं, शर्ट तो इतना हेवी है कि पूछिए, मेरा पसंद का है दोस्तों शर्ट, ये दाम बहुत है सर, और दोस्तों ये शर्ट है देखने में लग रहा होगा सिंपल लेकिन दाम पूछिए ना कैसा है हमसे, और दोस्तों देख सकते हैं, तो ये शर्ट मतलब इतना मतलब हेवी है ना बहुत मस्त है, और रेट भी इसका बहुत ज्यादा हाई लिया है, मस्त लगता है, और पता नहीं वीडियो में कैसा दिख रहा होगा लेकिन ये बहुत हेवी है, सामने से बहुत है मस्त दोस्तों कपड़ा मस्त, देख सकते हैं इसका बटन वटन पूरा हाई लेवल का दिया गया है, तो एक शर्ट और एक पैंट और एक टी शर्ट और एक जींस और एक शॉर्ट, तो दोनों छूट गया है, कल लेके आएंगे, मतलब इनको 5 सेट मतलब 5 कपड़ा हुआ, 2 सेट एक्स्ट्रा ऐसे हुआ, तो चले दोस्तों मस्त एकदम खुश हो गए हम, तो दोस्तों मैं अपने तीज के लिए सामान नहीं ले पाई क्योंकि बहुत रात हो चुका था, इनके लिए शॉपिंग करते करते और पता ही ड्यूटी से आए थे उसके बाद गए थे क्या बोलते हैं, तो सिवा के लिए बाद में तीज के लिए, तीज परसों है तो मतलब कल सामान खरीदा जाएगा ठीक है, टेंशन मत लो, उसका वीडियो आप लोग को मिल जाएगा ठीक है, हो सकता है तो करेंगे भी नहीं करेंगे भी आप लोग बोल देते हैं लास्ट में, क्योंकि मेरा कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम नहीं होगा तो करेंगे, अगर हुआ तो नहीं करेंगे, आप लोग नहीं समझेंगे मतलब मेरा पर्सनल पैसे का नहीं दूसरा चीज का, तो आज आप लोग को बता दिए कि हम कपड़ा लाए खरीद के, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे, और आज बाल भी कटवा लिए देख सकते हैं, दाढ़ी उड़ी भी मस्त दिख, और चले दोस्तों तो इस वीडियो के पे एंड करते हैं, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, आंसर कीजिए, कमेंट भी जरूर बताइएगा, मैं अपने पति के लिए इतना अच्छा मस्त मस्त कपड़ा खरीदी हूँ कैसा लगा, और वो 2 सेट कपड़ा है तो मतलब एक सेट आएंगे वो कल शाम को लाएंगे, तो सब आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में ठीक है, तो इतना सारा कपड़ा शॉपिंग की है इनके लिए समझे, सच बता रहे हैं।
बहुत दिन पर की है ना, 2 साल पर की, समझ तो 2 साल पे तब। चलो दोस्तों इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट।